ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। कल हमने आदम खान और तस्नीम के मामले में एक दिन की मुलतवी की थी और आज हम उस बाबत फैसला देंगे। एक दिन का वक्त लेने का मकसद था कि हम इस मामले की तह तक जा सके। तारीख गवाह है कि नए कानून बनाए गए हैं और पुराने कानूनों को बदला गया। हमारे मरहूम दादा शाह बाबर साहब और जन्नत नशीन वाले जनाब हुमायूं साहब ने भी रियाया की भलाई के लिए नए कानून बनाए हैं और आज हम नया कानून बनाएंगे जो आज से अभी से पूरी सल्तनत में लागू होगा। लोग उसे जिल्ले लाही का हुक्म मानकर कबूल करेंगे। हमने महसूस किया कि नाबालिगों का निकाह उन पर जुल्म होता है, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे हमारा हुक्म है कि किसी भी लड़की का निकाह उसके 14 बरस पूरे होने से पहले नहीं किया जाएगा। इस कानून को तोड़ने वाला सजा का हकदार होगा, फिर चाहे वो लड़की के वालिदैन ही क्यों ना हो। ये कानून पूरी सल्तनत में लागू होगा। हर मजहब, हर जात, हर खास व आम इस कानून के दायरे में आएंगे। किसी को भी किसी तरह की छूट बढ़ती नहीं जाएगी। अदगर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि बादशाह सलामत ने जो नया कानून बनाया है वो आवाम को एक नई रोशनी देगा और बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। हम इसे मंजूर करते हैं। इस फरमान की नकल बनाकर पूरी सल्तनत में पहुंचा दी जाए। हर गांव, हर शहर में इस नए कानून की मुनादी की जाएगी। हुक्म की तामील होगी हुजूर। और जब यह कानून बन गया है तो आदम खान भी इसके दायरे में आते हैं, तो इस लिहाज से तस्नीम से निकाह नहीं कर सकते। जनाब आलिम साहब, और आलिम साहब की इस बारे में क्या राय है? शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन साहब की बात से मुत्तफिक हैं। आदम खान को अब यह हक नहीं है कि वो तस्नीम से निकाह कर सके। इजाजत हो तो हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। इजाजत है। हम शहंशाह के इंसाफ से इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे साथ ना इंसाफी हुई है। आदम खान, ये मत भूलो कि इस वक्त तुम जिल्ले इलाही के सामने खड़े हो, दीवाने खास में हो। शहंशाह के हुक्म के खिलाफ जाना उनकी तौहीन है, गुनाह अजीम है। माफ कीजिएगा आदगा साहब, आदम खान कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं और किसी भी कानून में यह नहीं लिखा है कि मुद्दई अपनी बात नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपनी बात शहंशाह के सामने रखना चाहते हैं। कैसा आदम खान को हक है अपनी बात रखने का? कहो आदम खान। शुक्रिया शहंशाह, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब आप ये कानून बना रहे हैं तब भी हमारी सल्तनत में ऐसे निकाह हो रहे हैं। कल तक पूरी मुगल सल्तनत में, सरफरस रियासतों में, यहां तक कि आमेर में भी
ऐसे निकाह हुए होंगे, मगर तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब आदम खान की बात आई तो कानून बन गया। हमारी सुनवाई ये कानून लागू होने के पहले से चल रही है, इसलिए हम इस कानून के दायरे में नहीं आते। कानून के दायरे में सब लोग आते हैं आदम खान। अगर ऐसी बात है तो ये कानून शहंशाह पर भी लागू होता है, वो भी इसके दायरे में आते हैं। बस आदम खान, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। सल्तनत का सबसे बड़ा कानून ये होता है कि शहंशाह हर कायदे हर कानून से ऊपर होते हैं। वो जो बोल दे वही कानून बन जाता है। बादशाह जिल्ले इलाही है, खुदा की परछाई, वो आवाम से ऊपर है, इसीलिए आवाम के लिए बनाया गया कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होता। बादशाह के फैसले को ना कोई बदल सकता है, ना उस पर कोई उंगली उठा सकता है। अगर बादशाह के फैसले पर कोई एतराज कर सकता है, उसे बदलने की कुव्वत रखता है, तो वो है खुद बादशाह सलामत। और सूबेदार होने के नाते ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं आदम खान, बादशाह के दायरे खुद बादशाह तय करते हैं, आवाम या सूबेदार नहीं। अगर अगली बार ये गुस्ताखी हुई तो तुम्हें कानून के तहत बागी करार दे दिया जाएगा। बेशक बादशाह खुदा की परछाई होता है, लेकिन खुदा की परछाई कानून के ऊपर है, तो आवाम क्या समझेगी? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्या आम क्या खास। हम शमसुद्दीन साहब की बात से मुत्तफिक हैं और हम जानते हैं कि शहंशाह हर कानून से ऊपर होता है। अदगर साहब की बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आदम खान की बात में भी फसंद है। बादशाह को जरूर हक है कि वो कानून बनाए या बदले, इसलिए हम ऐलान करते हैं कि इस कानून के दायरे में हम भी आते हैं। ये कानून हम पर भी लागू होगा, इसकी बंदिशें हम पर भी होंगी, और हम किसी नाबालिग से निकाह नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब बादशाह सलामत, आपने तो एक मिसाल कायम की है कि अब आप किसी नाबालिग कमसीन लड़की से निकाह करने का गुनाह नहीं करेंगे। पर जो गुनाह आप कर चुके हैं उसका क्या? क्या यह याद दिलाना जरूरी है कि खुद शहंशाह एक नाबालिग के साथ निकाह कर चुके हैं? रुकैया बेगम के साथ निकाह करने के वक्त शहंशाह की उम्र महज 11 साल की थी। और रुकैया बेगम की उम्र महज 9 साल। अगर शहंशाह अपने आप को इस कानून की बंदिश में मानते हैं तो क्या शहंशाह ने कोई गुनाह नहीं किया? क्या रुकैया बेगम के साथ उनका निकाह नाजायज नहीं है, गैर कानूनी नहीं है? आदम खान, सच कड़वा होता है हुजूर। अपनी जबान को लगाम दीजिए आदम खान। अपना हाथ रोके वजीरे आलिया। जैसा कि आपने कहा था कि हम दीवाने खास में, यहां हम आपके बेटे नहीं बल्कि मुगल सूबेदार हैं, अपनी सफाई रख रहे हैं। दीवाने खास में वजीरे आलिया को सजा देने का हक बिल्कुल नहीं। सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है। शहंशाह की हर सजा में कबूल है। अगर आप चाहें तो हमारा सर कलम कर सकते हैं, मगर हमें लगता है कि अगर ये कानून सही है
तो इससे पहले तमाम निकाह नाजायज साबित होते हैं। अगर शहनशाह अपने निकाह पर कायम रहते हैं तो हमें यह कानून नामंजूर है। आदाब! आप जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आदम खान? खुदा को हाजिर नाजिर मान के हमने शहनशाह से निकाह किया है। हम मलिकाए खास हैं और आपको लगता है कि हमारा निकाह शहनशाह के साथ नाजायज है, गैर कानूनी है? आपने भरे दरबार में मलिकाए बेगम की शान में गुस्ताखी की है, आपको इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। माफी चाहेंगे बेगम साहिबा अगर आपको तकलीफ पहुंची, अगर कानून बन चुका है और शहनशाह के मुताबिक वो, आप, हम और सब इस कानून के दायरे में आते हैं। हमने सिर्फ एक जायज सवाल रखा, इसका जवाब शहनशाह को देना है। हो सकता है कि हमारा सर कलम कर दिया जाए, हमारी जुबान खामोश कर दी जाए, पर जब लाखों की तादाद में आवाम सर उठाकर यही सवाल पूछेगी तब क्या? हम शहनशाह की बेपनाह इज्जत करते हैं, अगर शहनशाह इसे हमारी गुस्ताखी मानकर हमारा सर कलम करना चाहे तो हम हंसते हंसते अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला आपके हाथ में है शहनशाह, या तो आप हमें तस्नीम से निकाह करने की इजाजत दें या फिर खुद इस कानून की इज्जत करते हुए बेगम रुकैया सुल्तान को तलाक। शहनशाह का हर फैसला में मंजूर होगा, अब इस बंदे को इजाजत दें। शहनशाह का इकबाल बुलंद। शहनशाह, आदम को हम समझाएंगे, इस मामले में हम समझाएंगे आदम को और माकूल सजा भी देंगे कि उसने गुस्ताखी की आपके सामने। उसकी वालिदा होने के नाते हम माफी चाहते हैं, हम समझाएंगे, इजाजत दीजिए। आदम खान की गुस्ताखी माफी के लायक है ही नहीं जलाल। हम आपसे खफा हैं जलाल, आपने हमारी इतनी बड़ी तौहीन बर्दाश्त कैसे की? उसने आपको हमें तलाक देने को कहा और आप चुपचाप खड़े सुनते रहे। आप तो आप और ये मकानी ने भी कुछ नहीं कहा। हैरान है हम जलाल कि क्या आपकी शमशीर इतनी भारी हो गई थी कि आपसे उठा ही ना जा सके, या आदम खान का रुआब इतना बढ़ गया था कि आपकी शमशीर उसे छू ना सकी। दीवाने खास का कानून कायदा सफाई देने वाले को हर बात कहने का हक देता है। सफाई देने में और कीचड़ उछालने में बहुत फर्क होता है मलिकाए आजम। मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब हैरान रह गए थे कि आदम खान खुद बादशाह पर उंगली उठाने की गुस्ताखी कर बैठेगा। तो अम्मी जान, गुस्ताखों को सजा दी जाती है, आप ऐसा कानून क्यों बना रहे जो खुद आपको गुनहगार साबित कर रहा है, हमारे रिश्ते पर सवाल खड़ा कर रहा है जलाल। मैं आपको संभालो रुकैया बेगम। माफी चाहते हैं मलिकाए आजम, लेकिन सच में हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब बात जोधा बेगम की होती है तब आप सबके बीच बोल लेती हैं, तब आपको दीवाने खास के कानून की परवाह नहीं होती। रुकैया बेगम, आप बस बस जोधा बेगम, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। रुकैया, ओ तो अब आपको हमारी बात पे भी एतराज होने लगा है अपनी इस नई बेगम की वजह से। जलाल, हमें लगा था कि ये बात आपके और हमारे बीच की है, लेकिन नहीं, ये बात तो हमारे और जोधा बेगम के बीच की है। आज वो इतनी खास हो गई है कि हमारे बीच आ गई। रुकैया, जब हम आपसे बात कर रहे हो तो हमारी और देखिए, हम पहले भी आपको कई दफा समझा चुके हैं, दोबारा दोहराते हैं, आप सिर्फ हमारी बेगम खास नहीं, हमारी सबसे अजीज दोस्त है, हमारी मशवराकार है, आपके और हमारे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। रही बात आदम खान की,
तो इस बार उसने गुस्ताखी की हद पार कर दी है, इस बार उसने गुनाह किया है। अगर ऐसा ही था तो आपने उस वक्त उससे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि हम वहां शहंशाह थे रुकैया, वहां इंसाफ करने बैठे थे। अगर एक मुलजिम के उकसाने पर हम अपनी शमशीर निकाले थे तो ये हमारी शान के खिलाफ होता। सच कहें तो हमें भी आदम कभी पसंद नहीं था। चूंकि वो बड़ी अम्मी का बेटा है, चूंकि वो हमारा दूध भाई है, इसलिए हम उसे माफ करते आए। अगर इस बार उसने बड़े ही शातिर तरीके से हमारे ही बनाए हुए कानून पर सवाल उठाया। इसका मतलब है कि अब हमारा तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। चला ठीक है, इस बार जोधा बेगम ने आदम की शिकायत की तो बात यहां तक पहुंची, कल एक और बेगम शिकायत करेगी तो बात आवाम तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते ना शहंशाह। लेकिन हम जरूर करेंगे, एक शहंशाह को इतना मजबूर करेंगे कि वो अपनी बेगम की शिकायत पर फैसला ले। और इस बार बेगम की शिकायत होगी खुद शहंशाह के खिलाफ। जानते हैं कि आप यहां क्यों आई? मारिए हमें अम्मीजान, मारिए। आप हमें वहां तो नहीं मार पाई लेकिन यहां तो मारिए, मारिए अम्मीजान, मारिए हमें। हम आपको तमाचा नहीं मारते आदम, आप सर कलम करवा देते। बेगम रुकैया के तलाक के बाद आपके जहन में आई कैसे, और अगर जहन में आई भी जुबान पर कैसे आई? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं क्योंकि हमने जलाल और अदगा खान की बातें सुन ली थी। क्या बातें कर रहे थे वो? अपना सर झुका याद हम, सर झुका याद हम। चौकी मत आदम, हम इतने खुश हैं आज क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे। आपने हमारी तरह सोचा आदम, हम भी वही करते। आज जिंदगी में पहली बार आपने सही कदम उठाया है। आज हमें फक्र है कि हम आपके अम्मी जान हैं। जलाल से मोहब्बत करते हैं हम, लेकिन सियासत में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। अब हमें यह देखना है कि जलाल क्या चुनते हैं, रुकैया का हाथ या बेगम जोधा का साथ। क्योंकि अगर उन्होंने बेगम रुकैया को तलाक दे दिया, उनका निकाह टूट गया, तो इल्जाम जाएगा बेगम जोधा पर और उसके बाद खेल खेलेंगे हम और आप। अगर उन्होंने रुकैया बेगम को तलाक नहीं दिया तब भी आप फायदे में हैं आदम, क्योंकि फिर आप तस्नीम से निकाह कर सकते हैं। और अगर जलाल ने बेगम रुकैया को तलाक दे दिया तो बेगम रुकैया को पता चल जाएगा कि हमारी हैसियत क्या है और उनकी औकात क्या है। लेकिन अम्मीजान, जलाल रुकैया बेगम से फिर से निकाह तो कर सकता है ना? नहीं कर सकते आदम, कानून नहीं कर सकते। जलाल को अगर बेगम रुकैया के साथ दोबारा निकाह करना है तो बेगम रुकैया को किसी और से निकाह करना पड़ेगा। उस दूसरे शोहर के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उस दूसरे शोहर को तलाक देकर ही जलाल बेगम रुकैया के साथ निकाह कर सकता है। और ये रुसवाई ना जलाल बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही बेगम रुकैया। आपको एक बात बताए, अब जब से छोटे थे तब से हमारी एक ही ख्वाहिश थी, कब आप बड़े बनेंगे और कब हम आपके सामने झुककर आपको सलाम करेंगे। आज वो दिन आ गया है, इसलिए आज आपकी अम्मी आपके सामने झुक रही है और आपको कह रही है, सुबेदार आदम खान, आपका इकबाल बुलंद हो। अम्मी जान, इतनी दुखी क्यों हो जोधा?
हमें भाग्य को कोस रहे हैं मोती। जब भी हम किसी के लिए शुभ सोचते हैं वो अशुभ क्यों हो जाता है? तस्नीम के जीवन की रक्षा के लिए हमने शहंशाह से प्रार्थना की थी और उल्टा ये हुआ कि रुकैया बेगम के मन को ठेस पहुंच गई और उनका सोचना भी बहुत उचित है। जिनसे वो इतना प्रेम करती है उनके साथ वो संबंध विच्छेद को कैसे सह सकती है? ये सब उस आदम खान की वजह से हुआ है। चंचा को वही दीवाने खास में उसका वध कर देना चाहिए था। उसकी दुष्टता की वजह से पूरा परिवार कष्ट में है। इस समय हम आदम खान के विषय में नहीं सोच रहे हैं मोती, हम रुकैया बेगम के विषय में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके क्लेश का कारण हम हैं। ये अनुचित है जोधा, तुम हर बार स्वयं को क्यों दोषी मान लेती हो? इसमें तुम्हारा क्या दोष? हम जानते हैं कि हमारा दोष नहीं है। और किसका है हमें ये भी पता है। किसका है? वो बात की बात है मोती, तुम अभी जाओ, रात्रि बहुत हो चुकी है, हमें विश्राम करना है। परंतु जोधा हम मोती तुम जाओ